दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे नवरात्र सप्तशती अनुष्ठान के बारे में। नवरात्रि में 13 अप्रैल से जो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उस नवरात्रि पे हम एक अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। नवरात्र के 9 दिन जो होते हैं वो माता की पूजा के विशेष दिन माने जाते हैं। इन दिनों में माता की साधना व आराधना करने वाले उनके भक्त व्रत उपवास करते हैं और माता को प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामना की सिद्धि का वरदान मांगते हैं। ऐसे ही माता को प्रसन्न करने के लिए, शीघ्र प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान बताया गया है। सप्तशती अनुष्ठान के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग। जो व्यक्ति नहीं जानते उन्हें बता दें कि जो व्यक्ति सप्तशती का अनुष्ठान करते व करवाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं माँ शीघ्र पूर्ण कर देती हैं। क्या है दुर्गा सप्तशती? दुर्गा सप्तशती एक उपनिषद है जिसमें माता के चरित्र का वर्णन है, माता की स्तुति है, ध्यान आवाहन है, अद्भुत ग्रंथ है। इसमें एक तांत्रिक मंत्रों की भरमार है और बहुत विशेष इससे क्या नहीं हो सकता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सब कुछ, स्तंभन, हर प्रकार की विद्या इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में है। 13 अध्याय में वर्णित है, 13 अध्याय हैं और संस्कृत में है। विशेष रूप से इसे संस्कृत में ही पाठ करना चाहिए, इसमें अथर्ववेद के मंत्र भी हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद पाठ भी करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग करते होंगे। हिंदी अनुवाद का पाठ आप कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो संस्कृत का पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो मंत्र, वो एक विद्वान बहुत ही शुद्धता से उनका वाचन करता है, उनका पाठ करता है, उनका मनन करता है, तो वो पाठ एक अनुष्ठान कहलाता है। 9 दिन पूजा होती है, माता का अर्चन होता है, साधना होती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पाठ को नवरात्रि में अगर श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ में करते हैं या करवाते हैं तो हर मनोकामना पूरी होती है। अब जान लेते हैं ऑनलाइन बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि घर बैठे आप माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करवाएं, तो आपको पूजा की दक्षिणा यानी कि ऑनलाइन चार्ज आपको पे करना होगा और उसे करने के बाद में अपना नाम, गोत्र, किस लिए करवाना चाहते हैं ये जानकारी आपको मनोकामना लिख करके आपको हमें सेंड करनी होगी व्हाट्सएप नंबर पर। और 13 अप्रैल से जो नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, चैत्र नवरात्रि, उसमें 9 दिन आपकी पूजा होगी। अब पूजा का खर्चा जान लेते हैं। संपूर्ण नवरात्रि में अगर आप पाठ, हवन और पूजन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 25,000 रुपये खर्च है। आपका पर्सनली, या एक तरह से पर्सनल होगा, आपका केवल और केवल आपका होगा, सामूहिक कोई भी चीज़ नहीं होगी इसमें। और दूसरा है 9 दिन, अगर आप 25,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरा करवा सकते हैं, 9 दिन पाठ और हवन, 15,000 रुपये है 9 दिन तक। और 9 दिन आप अगर केवल संपुटित पाठ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 9,000 रुपये खर्चा है, केवल 9 दिन पाठ पाठ होगा आपका। चौथा है, आपको अगर आप 9,000 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, जो बहुत ही विशेष आपके लिए रखा गया है, कि आप नवरात्र के किसी भी एक दिन एक पाठ करवा सकते हैं मात्र 1100 रुपये में। तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं अनुष्ठान हो आपके लिए तो आप जल्दी से जल्दी बुकिंग करवा लें, इसके लिए स्थान लिमिटेड हैं और आप अपना स्थान सुनिश्चित करवाएं। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो आपका पाठ होगा उसका संकल्प होगा और संकल्प का बाकायदा वीडियो आपको भेजा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि संकल्प होकर के आपको वीडियो मिले, और क्योंकि एक बार संकल्प का वीडियो आपको मिल गया, संकल्प आपके नाम से हो गया, तो समझ लीजिए कि आपका वो पाठ हो गया। तो ये आपके लिए विशेष है। तो अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।